आज बिल्कुल हवेली लखा के हल्का एन ए 138 और पीपी 188 में इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है वो अपने अरूज पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उम्मीदवार आने उनकी तरफ से सियासी कैंपेन का सिलसिला भी जो है वो जारी है और वोटर्स को अपनी तरफ मायल करने की कोशिशें बुरेकार लाई जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हवेली लखा में भारी अक्सरियत रखने वाला जो वोट बैंक है उसने जो है वो अक्सर एक सियासी सूरत हाल जो है वो उसको तब्दील करके रख दिया है। दीवान बरादरान जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं जिसमें मोहम्मद मोइन भट्टू वो नेशनल असम्बली की सीट पे जो है वो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ नूरुल अमीन नासर भट्टू जो कि सूबाई सीट पे जो है वो मुकाबले में इस वक्त मौजूद हैं, तो उनकी हमायत का जो है वो गैर मशरूत हमायत का जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर ऐलान जो है वो कर दिया है। जिसके बाद यकसर सूरत हाल जो है वो मुकामी सतह पर हवेली लखा की सतह पर इस वक्त सियासी जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात से भी आगाह करता चलूँ कि दीवान बरादरान 10,000 से 15,000 के जो करीब वोट बैंक जो है वो रखते हैं, जिसकी वजह जो मिसाल है वो ये दी जा सकती है कि मुस्लिम लीग काफ के दौर के बाद चूँकि ये दीवान बरादरान में जो इनके सरबराह जो इनको लीड कर रहे हैं वो साबक सूबाई पार्लियामानी सेक्रेटरी आपाशी दीवान इखलाक अहमद मुस्लिम लीग काफ के दौर में जो है वो रह चुके हैं, तो उन्होंने उसके बाद जो है वो दो मरतबा इलेक्शनों में जो है वो हिस्सा लिया और एक मरतबा जो है वो 18,000 जबकि दूसरी मरतबा 16,000 समथिंग जो है वोट उनको पड़े थे। तो वो वोट बैंक जो है वो उनका अभी तक भी उसी तरह से मौजूद है और जिसकी तरफ भी उनकी जो है वो हमायत होती है तो उसका पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। तो इस वक्त हवेली लखा की सतह पे जो देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवारान हैं उनकी वाज़े बरतरी जो इस वक्त दिखाई दे रही है इनकी शमूलियत के बाद। जी